माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी जानने वाले विद्यार्थी लोग हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। बीएससी एग्रीकल्चर में भी मैंने 2 साल पढ़ाया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी 2 साल पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट को कभी काम आ जाए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को तो हमेशा गेट में भी, नेट में भी, जीआरएफ में भी हमेशा पूछेगा, और एग्रीकल्चर साइंस वालों को ये जो टॉपिक है विंड इरोजन, वो उनके कोर्स एग्जाम में काम आएगा आसानी से समझने के लिए। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होता है, कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में है ये कोर्स, और किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में है। जितने भी आईसीआर के यूनिवर्सिटी हैं उसमें सेकंड सेमेस्टर में है, नहीं हर जगह जो आईसीआर से हैं और जो नहीं है, हर जगह सेकंड सेमेस्टर में है विंड इरोजन। तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी को सब्सक्राइब करने के लिए और अपना प्रचार और यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों के लिए हूँ जो हमें चाहते थे कि सर हमारे पास रहें, लेकिन हम किसी कारणवश न रहे। ठीक है, अगले वीडियो में 2-4 विद्यार्थियों का नाम भी लूंगा और बाकी सब हैं। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं विंड इरोजन। विंड इरोजन और कुछ नोट्स पढ़ाऊंगा, नहीं जनरल बातें करूंगा जिससे आपको सुनने में अच्छा लगेगा और कुछ नॉलेज हो जाएगा। विंड इरोजन जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम डिफरेंट विंड इरोजन जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम 8 टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, 7 या 8 टॉपिक। पहला टॉपिक है डेफिनेशन प्लस सम डेटा फैक्ट्स, मतलब कुछ डेटा बेस क्वेश्चन आ जाता है, ये पहला। दूसरा है काउज ऑफ इरोजन, तीसरा है फैक्टर विच अफेक्ट द इरोजन, चौथा है मैकेनिक्स ऑफ इरोजन, पांचवा है एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस, छठा है रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन, रिजल्ट क्या होता है, सातवां है कौन कौन से कंट्रोल करने के उपाय हैं, कंट्रोल मेजर या प्रिवेंशन मेजर ऑफ विंड इरोजन, और लास्ट पार्ट में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अगर शुरुआत करें हम डेफिनेशन से, तो हम सिंपल सा डेफिनेशन कह सकते हैं कि सॉइल के उखड़ने से लेकर के ट्रांसपोर्ट होने तक और उसके बाद कहीं भी जमा होने तक, उखड़ना, जाना और जमा होना, मतलब डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीनों प्रोसेस अगर विंड के द्वारा हो रहा है तो विंड इरोजन, वाटर के द्वारा हो रहा है तो वाटर इरोजन, ये बेसिक डिफिनेशन है। इसके बाद आ जाइए कुछ डेटाबेस फैक्ट में, ये पहला ही टॉपिक चल रहा है डेटाबेस फैक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे इंडिया में 80 मिलियन हेक्टेयर जमीन विंड इरोजन से अफेक्टेड है, 80 मिलियन हेक्टेयर, और टोटल है 332 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 1/4 हमारा, सॉरी गलत बोल गए, विंड इरोजन से नहीं, विंड प्लस वाटर दोनों से अफेक्टेड है। इरोजन अफेक्टेड एरिया 80 मिलियन हेक्टेयर है। इस 80 मिलियन हेक्टेयर में से कुछ जमीन जो है वो परमानेंट ही बर्बाद हो गए हैं, अब वो सुधारे ही नहीं जा सकते। जैसे 40,000 हेक्टेयर, डेटा कहता है 40,000 हेक्टेयर जमीन परमानेंट बर्बाद हो गए हैं, और 40,000 से कई गुना ज्यादा जमीन अपनी प्रोडक्टिविटी को कम कर दिए हैं, उपजाऊ क्षमता उनकी कम हो गई है। आगे इसी 40,000 में, इसी 80 मिलियन हेक्टेयर में, 40,000 हेक्टेयर की बात हो रही थी, इसी 80 मिलियन हेक्टेयर में 33 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारा विंड से अफेक्टेड है, विंड इरोजन से, और बाकी जो बच गया आपका 47 ये वाटर से अफेक्टेड है। 33 मिलियन हेक्टेयर जमीन को
हम तीन भाग में बांटते हैं, 21 मिलियन हेक्टेयर, 6.5 मिलियन हेक्टेयर और 5.5 मिलियन हेक्टेयर। जो एक 21 मिलियन हेक्टेयर है, 21 मिलियन हेक्टेयर, यह है एरिड और सेमी एरिड रीजन से। तो एरिड रीजन कहां कहां है? तो राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुख्य रूप से एरिड रीजन में आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू। ये राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लस गुजरात का रन ऑफ कच्छ, गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो मरुस्थल है उसको रन ऑफ कच्छ कहते हैं। रन मतलब मरुस्थल, कच्छ का मरुस्थल। एक वो और 6 डिस्ट्रिक्ट इधर राजस्थान के, ये एरिड रीजन में आते हैं। एरिड रीजन का मतलब होता है डिजर्ट एरिया, आप कह ही सकते हैं मरुस्थल, जहां पर बारिश ऑन एवरेज साल भर में 10 सेंटीमीटर से कम होता हो। बात किसकी कर रहे हैं हम? 21 मिलियन हेक्टेयर की, 33 में 21 की बात कर रहे हैं। ये 21 मिलियन हेक्टेयर एरिड और सेमी एरिड दोनों में आता है। तो एरिड के बारे में आपको मैं बता दिया कौन कौन सा एरिया है। सेमी एरिड के बारे में मैं जहां तक आपको बता दूं कि राजस्थान का ही कुछ पार्ट जो बचा हुआ है, केवल यूपी और एमपी के सटे हुए पार्ट को छोड़ करके और बाकी वो 6 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके जो बचे हैं वो सब सेमी एरिड में आते हैं। बचे हैं वो तो सेमी एरिड में आएंगे ही, और जो उनके एरिड पार्ट से लगे हुए पंजाब के इलाके हैं, जो उन एरिड पार्ट से, जो उन डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हरियाणा के जो पार्ट है और जो गुजरात के पार्ट है, ये सब सेमी एरिड में आते हैं। सेमी एरिड का, सेमी एरिड को कैटेगराइज किया गया है वर्षा के आधार पर कि जहां पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो, मतलब 100 mm से 300 mm तक हो, उसको सेमी एरिड कहते हैं। तो सेमी एरिड और एरिड दोनों मिलाकर के 21 मिलियन हेक्टेयर, जो कि कहा जाता है बहुत सेवर इरोजन है। सीवर मतलब बहुत खतरनाक, इंटेंसिटी ऑफ इरोजन बहुत ज्यादा है। तो यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि विंड इरोजन कहां होता है? तो सेमी एरिड और एरिड में। 21 मिलियन हेक्टेयर जमीन है टोटल, कवर करता है। बाकी का 6.5 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, वहां से विंड इरोजन होता है लेकिन उतना इंटेंसिटी, उतना खतरनाक नहीं है, सॉयल का लॉस उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको इसमें नहीं रखते, क्वेश्चन में आएगा। और कोस्टल इलाका है जो 6.5 मिलियन हेक्टेयर है, वो कोस्टल इलाका है, समुद्री इलाका। समुद्र के तट पर आप देखे होंगे रेत रेत होता है। आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो नीचे भी आकार का बनेगा, भी। तो पूरा जितना भी एरिया है ना, भी वाला, तो यहां से लेकर के ऐसे आइए और यहां से लेकर के ऐसे चढ़ जाइए, यहां पर महाराष्ट्र है, यहां पे कर्नाटका है, और नीचे यहां केरला है, और यहां पर नीचे तमिलनाडु है, यहां पर आंध्र प्रदेश है, और यहां पे उड़ीसा है। ये सब समुद्री इलाके हैं। तो इन 6 स्टेट का जो समुद्री बॉर्डर है, समुद्री एरिया है, तटवर्ती इलाका, वहां से कोस्टल, वहां कोस्टल एरिया में विंड इरोजन होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटेंसिटी कम है, और वो एरिया कवर करता है लगभग 6.5 मिलियन हेक्टेयर। और आपको बता दें कि ये पूरा बॉर्डर की लंबाई कितनी है, यहां से लेकर के ऐसे आया और यहां से लेकर के ऐसे चला गया, ऐसे इंडिया का नक्शा नीचे ऐसे ही है ना, यह है 7500 किलोमीटर कोस्टल बॉर्डर इंडिया का, तटवर्ती सीमा रेखा। उसके ऊपर बाकी सब स्थलीय सीमा रेखा है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15000 किलोमीटर और तटवर्ती की 7500 किलोमीटर, टोटल जोड़ दीजिए तो हो गया 22,000 किलोमीटर। 21 की बात हो गई, 6.5 मिलियन हेक्टेयर की बात हो गई, अब 5.5 मिलियन हेक्टेयर ह्यूमिड इलाके से आता है। ह्यूमिड में यूपी का पार्ट, एमपी का पार्ट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा का कुछ पार्ट तटवर्ती छोड़ करके, बंगाल का पार्ट, इतने इलाके में कहीं 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 गर्मी के मौसम में, सिर्फ समर के मौसम में विंड इरोजन होता है।
बाकी दिन तो वाटर इरोजन होता है, लेकिन विंड इरोजन सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में, और वो भी रेट ऑफ इंटेंसिटी मतलब इरोजन की दर बहुत कम होती है। तो हम ह्यूमिड को नहीं मान के चलते हैं, कोस्टल को नहीं मान के चलते हैं, मान के चलते हैं एरिड और सेमी एरिड इलाका, और यही क्वेश्चन में आता है। अब यहां से डेटा बेस फैक्ट से और कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा है। विंड इरोजन के द्वारा होने वाला सॉयल लॉस कभी नहीं पूछता है, और न कहीं दिया है, न रिसर्च पेपर में दिया है, न किसी बुक में दिया है कि विंड इरोजन के द्वारा कितना सॉयल का नुकसान होता है। ऑल एवरेज टोटल दिया है, लेकिन विंड इरोजन के द्वारा नहीं दिया है। एक और बेसिक फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द इरोडिबल सॉयल, जो जो इरोजन के अंडर में आते हैं, जो इरोड हो सकते हैं, उनके पार्टिकल साइज का डायमीटर 0.1 mm है, या जी जी सॉयल का पार्टिकल साइज 0.1 mm होगा। ये 0.1 किस में आ जाता है पता है आपको? कोरस सैंड, फाइन सैंड, ये सब 0.1 में आ जाते हैं। 0.05 से लेकर के 0.1 ये सब सैंड के कैटेगरी में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे आप, या फिर ISSS, इंडियन सॉयल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉयल साइंस का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो 0.1 वाले सारे सैंड के कैटेगरी में आते हैं। जो पार्टिकल का साइज 0.1 है, 0.1 mm, वो किस कैटेगरी में आया? सैंड के कैटेगरी में, चाहे वो फाइन सैंड है या कोरस सैंड है या और बीच में कुछ आ जाए, लेकिन सैंड के कैटेगरी में आएंगे। इस टाइप का सॉयल ज्यादातर विंड के प्रति इरोडिबल होता है। और मिनिमम विंड वेलोसिटी कितना चाहिए? तो 15 से 16 किलोमीटर पर आवर चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कहां से होता है विंड इरोजन? तो एरिड और सेमी एरिड से होता है। एरिड सेमी एरिड रीजन कहां है? 6 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का और रन ऑफ कच्छ गुजरात का, मतलब वेस्टर्न पार्ट। वो सब नक्शे में आप देखेंगे ना, तो आप सब आपको इधर दिखेगा, मतलब वेस्टर्न नक्शा में, ये हमारे पीठ पर अगर नक्शा रखा हो तो इधर वेस्टर्न पार्ट है और इधर वाला पार्ट उड़ीसा वाला पार्ट है, समुद्री वाला। राजस्थान पता है, राजस्थान 5 स्टेट से घिरा है, गुजरात से घिरा है, UP-MP से घिरा है, और हरियाणा और पंजाब से घिरा है, और एक देश पूरा पाकिस्तान से घिरा है। तो पाकिस्तान में भी उधर मरुस्थल है, आप चल जाइए उधर श्री गंगानगर तो देखिएगा। श्री गंगानगर में पता नहीं क्या किस्मत है कि बहुत हरियाली है, लेकिन आप बॉर्डर वहां से दिखेगा 1 किलोमीटर दूर, और बॉर्डर के पार आपको केवल मरुस्थल ही मरुस्थल दिखेगा। पता नहीं क्या चक्कर है कि 2 किलोमीटर से केवल बालू रेत दिखेगा पाकिस्तान में। चलिए ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन और डेटा बेस फैक्ट। दूसरा आ जाइए टॉपिक, काउज ऑफ इरोजन, इरोजन के कारण क्या है, कौन से ऐसे वजह हैं जिसके वजह से विंड इरोजन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद कौन से वजह होते हैं जो इनके इंटेंसिटी को या दर को घटा या बढ़ा देती है, वो बात अलग है, लेकिन पहले कारण क्या वजह है कि जहां से स्टार्ट होता है। तो पहला वजह है डिजर्टिफिकेशन। रीजन क्या है? डिफॉरेस्टेशन। पहला मुख्य काउज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटना। डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब मरुस्थल का धीरे धीरे बनना हो जाता है। आप पेड़ पौधे काट दिए, जंगल काट दिए, तो काट देंगे तो फिर वहां पे आप क्या करेंगे? जंगल कटता है तो कोई कुछ लगाता है थोड़ी ना है वहां, वो तो सरकार कटवा देती है कोई प्रोजेक्ट की वजह से, नहीं तो आम जनता काट के लाती है। तो जहां से जंगल कट गया तो वहां का सॉइल क्या हो गया? सीधा धूप में एक्सपोज हो गया, अब वो धीरे धीरे लूज हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपना खो देगा। तो एक कारण है। दूसरा कारण इंटेंसिव प्लाविंग, गहन खेती के लिए अगर आपने गहन जुताई कर दिया, प्राइमरी टीलेज किया दबा करके, सेकेंडरी टीलेज किया दबा करके,
हैरो का इस्तेमाल किया, डिस्क प्लाव का इस्तेमाल किया, कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया, रोटावेटर का इस्तेमाल किया, तो ऑटोमेटिक आपने सॉयल के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये दो कारण। तीसरा, हाई विंड वेलोसिटी। अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो सॉयल चाहे आपका ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो या कम स्ट्रेंथ वाला हो तो उखाड़ ही देगा। चौथा, मॉइस्चर कंटेंट। सॉयल में उचित मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत जरूरी है। उचित, अगर ज्यादा होगा तो वाटर इरोजन और कम होगा तो विंड इरोजन, कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये चार कारण है। चारों की वजह से होता क्या है, बेसिकली सॉयल लूज पड़ जाते हैं। पांचवा में ये भी कह सकते हैं कि लूज सॉयल, लूजनेस ऑफ सॉयल, वैसी सॉयल जिसकी प्रॉपर्टी ही पहले से लूज है, तो वहां पर तो विंड का प्रभाव पड़ेगा ही। अगर हाई विंड आ गया तो विंड इरोजन होगा। लूज सॉयल का मतलब जिसका वॉयड रेशियो ज्यादा हो, अंदर में वॉयड ज्यादा हो, अंदर में खाली जगह ज्यादा हो, वॉयड रेशियो ज्यादा हो, या आप कह सकते हैं डेंसिटी कम हो। इसी चीज को और दूसरे रूप में कह सकते हैं, जहां ऑर्गेनिक मैटर का मात्रा कम हो। तो ये चार हो गए कारण। अब आ जाइए तीसरा, कौन कौन से वजह हैं जो रेट ऑफ विंड इरोजन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो आ जाइए पहला, क्लाइमेटिक फैक्टर। सबसे ऊपर क्या है, क्लाइमेट ही तो है ना। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सॉयल, वेजिटेशन और क्लाइमेट, तीन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर, उसके बाद उसके नीचे आइएगा तो वेजिटेशन, पेड़ पौधा, और उसके नीचे आइएगा तो सॉयल फैक्टर। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रेसिपिटेशन भी अफेक्ट करेगा, रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो क्या करेगा, घटाएगा। प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है तो विंड इरोजन को कम करेगा, अगर नहीं हो रहा है प्रेसिपिटेशन कहीं पर, विंड इरोजन को बढ़ाएगा। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में या वेस्टर्न इंडिया में होता ही नहीं प्रेसिपिटेशन, तो नहीं होगा तो विंड इरोजन बढ़ेगा। एक वजह है वर्षा का ना होना। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बड़ा क्रिटिकल चीज है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता भी है रेट को और घटाता भी है। एक लिमिट से ज्यादा होता है, 35% से ज्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो बढ़ाएगा, और 35% से कम है तो घटाएगा। और ज्यादा इसके अंदर में आपको नहीं जाना है कि क्या वजह है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉइस्चर ज्यादा निकलेगा जमीन से, मॉइस्चर ज्यादा निकलेगा तो जमीन लूज हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक वजह है जो रेट को बढ़ाता या घटाता है। और विंड वेलोसिटी इटसेल्फ, मतलब स्वयं विंड वेलोसिटी भी, अगर विंड इरोजन हो ही रहा है और अचानक से होते होते में ही विंड वेलोसिटी बढ़ गया, ये भी एक फैक्टर है क्लाइमेटिक। तीन फैक्टर। अब वेजिटेशन फैक्टर की बात करिए, तो टाइप ऑफ वेजिटेशन, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन और हाइट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की ऊंचाई कितनी है। अगर मान लीजिए कोई 15 मीटर लंबा ट्री है यूकेलिप्टस का, तो जहां पर है वहां पर तो रोकेगा ही रोकेगा, और लगभग 100-150 मीटर आगे तक के जमीन को रोकेगा इरोजन होने से। तो हाइट है कि नहीं, हाइट पर भी डिपेंड करता है ना। हाइट कम है, जैसे फीट है, आपने गेहूं लगा दिया तो गेहूं 10-15 मीटर तक रोकेगा, लेकिन यूकेलिप्टस है तो 150 मीटर तक रुकेगा। डेंसिटी मतलब अगर आपने केवल ग्रास ग्रास लगा दिया, घास घास, ग्रास क्रॉप, तो बिल्कुल नहीं होने देगा। अगर आपने सीरियल क्रॉप लगाया, इंटरियल क्रॉप लगाया, जैसे गेहूं लगाया, क्रॉप लगाया, सरसों लगाया और कुछ लगाया, तो कम रुकेगा। तो ये सब वजह है, मतलब कम रुकेगा मतलब रेट जो है ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा। ये सब वजह है कि किस टाइप का वेजिटेशन है आपका, ये वजह है उसकी इंटेंसिटी को घटने या बढ़ाने की। अब आ जाइए सॉयल फैक्टर। तो सॉयल फैक्टर में सॉयल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉयल की डेंसिटी और सॉयल के अंदर उपस्थित ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा। ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बहुत बड़ा मायने रखता है। ऑर्गेनिक पदार्थ कम है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही कम है सॉयल में, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो सॉयल में कोई जान नहीं है। टेक्सचर,
सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है कि अगर 40-60% सिल्ट का मात्रा है तो मोस्ट इरोडिबल सॉइल में आता है। जैसे सिल्ट की मात्रा बढ़ेगा आपका बढ़ता जाएगा। तो ये वजह हुआ ना, सिल्ट जो है एक वजह ही हुआ। अगर वहां पर इरोजन किसी कारण बस स्टार्ट हो गया तो सिल्ट का मात्रा है तो चलो भैया बढ़ाते रहो। स्ट्रक्चर, चार पांच तरह के स्ट्रक्चर हैं सॉइल के। अब हमें नहीं पता एक जैसे प्लेटी स्ट्रक्चर है, क्रुम्बली स्ट्रक्चर है, एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। तो ग्रेनुलर वाला ज्यादा अफेक्ट करता है, प्लेटी वाला बिल्कुल कम अफेक्ट करता है। तो सॉइल फैक्टर में आ गए सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉइल की आपकी डेंसिटी नहीं मॉइस्चर कंटेंट या डेंसिटी भी कह लीजिए और ऑर्गेनिक मैटर भी कह लीजिए, जितना लिख दीजिए। वेजिटेशन में टाइप ऑफ वेजिटेशन, हाइट ऑफ वेजिटेशन, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपका विंड खुद ही हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। तीन टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक इस्टीमेशन ऑफ, नहीं चौथा टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सॉइल लॉस। मैकेनिक्स का मतलब प्रक्रिया, सॉइल इरोजन, मैकेनिक्स ऑफ सॉइल लॉस हमने बोल दिया, मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन, विंड इरोजन। विंड इरोजन की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया का मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट तक सब बोलना है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक, एक जगह से उखड़ने से दूसरी जगह जमा होने तक, हम इसको तीन अलग अलग फेज में बांट करके देखते हैं और हमें दिखता भी है। एक तो कि सॉइल का उखड़ना, डिटैचमेंट, या इसको कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का शुरुआत होना। दूसरा आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा कह सकते हैं आप डिपोजिशन। चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए, अगला में पूरा कर दिया जाए, अगले पार्ट में इसको शुरू किया जाए। कहां से? मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है।